हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दैया। नाउ वी आर डूइंग द पोएम माय लास्ट डचेस रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, सो लेट अस नो अबाउट द पोएट एंड दैट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो टू सम अप अबाउट द रॉबर्ट ब्राउनिंग इन दिस पर्टिकुलर लाइन्स, इन दिस पर्टिकुलर लाइन्स कंप्लीट बायोग्राफी। आउट ऑफ योर होल लाइफ गिव बट वन मोमेंट, ऑल ऑफ योर लाइफ दैट हैज़ गोन बिफोर, all to come after it so you ignore, so you make perfect the present, condense in a rapture of rage for perfection's endowment, thought and feeling and soul and sense. So these lines are giving a complete biography of Robert Browning. So let us know something more about him. Robert Browning was an English poet and playwright. Playwright means dramatist, the person who writes the dramas. Spelling is somewhat different. Born on 7 May 1812, he died in 12 December 1889 at the age of 77 years. He was a Victorian poet. He was famous for his dramatic monologue. Dramatic monologue pe ek video mein pehle bana chuki hu, aap dekh sakte hain. He was born at Camberwell, London, England. He was died at Venice, Kingdom of Italy. His wife was Elizabeth Barrett Browning. Month 1846 to 1861, 34 years. His early career began promisingly, but in 1840 the difficult ordeal brought his poetry into disrepute. He married Elizabeth Barrett in 1846. She was older than her, 6 years, than him, sorry. He was the only son of Robert and Anna Browning. His father was a well-paid clerk in the Bank of England. Robert's father was a literary collector and he has a library of 6,000 rare books. His mother was a talented musician. His sister Sariana, also gifted, became her brother's companion in his later years. By 12, he had written a book of poetry which he later destroyed when no publisher could be found. He was educated at home by a tutor via the resources of his father's extensive library. He was fluent in Greek, Italian, French, and Latin by age 14. He was a great admirer of romantic poets, especially Shelley. तो उनके फादर जो हैं वो एक क्लर्क थे बैंक ऑफ इंग्लैंड में, और उनके पास एक बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी थी जिसमें कि 6,000 बहुत रेयर बुक्स थी। उनकी मदर टैलेंटेड म्यूजिशियन थी और जो उनकी सिस्टर थी वो भी गिफ्टेड थी, और वो उनके ब्रदर की कंपेनियन बनी लेटर ईयर्स में। और जब ये 12 साल के थे तो इन्होंने एक बुक ऑफ पोइट्री लिख दी थी जो कि बाद में डिस्ट्रॉय कर दी गई क्योंकि कोई पब्लिशर उनको नहीं मिला था, और उनको बेसिकली घर पर ही एक ट्यूटर के द्वारा पढ़ाया गया था उस लाइब्रेरी की वजह से ही, क्योंकि उस लाइब्रेरी में सभी तरह की बुक्स थी। और ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच और लैटिन जो है 14 साल की उम्र में ये बहुत ही अच्छे से बोलने लगे थे, और रोमांटिक पोइट स्पेशली शैली के ये बहुत ही ज़्यादा प्रशंसक थे। Following the precedent of Shelley, he became an atheist and vegetarian. तो शैली को फॉलो करते हुए वो अथीस्ट और वेजिटेरियन बन गए थे। रोमांटिक पोइट्स होते थे जो नेचर को लव करते थे, वो जो प्रकृति के बारे में लिखते थे। He stayed at home until the age of 34, financially dependent on his family until his marriage. 34 साल तक तो वो अपनी फैमिली पर ही डिपेंड रहे जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। मार्च 1833 में पॉलिन फ्रेगमेंट ऑफ कन्फेशन उनका जो था पब्लिश किया गया सैंडर्स एंड ओटे के द्वारा, और ऑथर्स ने ही इस पे खर्चा किया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग रिसीव्ड द मनी फ्रॉम हिज आंट मिसेस सिल्वर थ्रोन, तो अपनी आंट से ये मनी लेते रहते थे। सोडेलो गेंड हिम द रेपुटेशन ऑफ वॉन्टन केयरलेसनेस एंड ऑब्सक्योरिटी। टेनिसन कमेंटेड दैट ही ओनली अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन। कार्लाइल रोट दैट हिज वाइफ हैड रेड द पोएम थ्रू एंड कुड नॉट टेल वेदर सोडेलो वॉज अ मैन सिटी और अ बुक। तो इन्होंने जब लिखी थी कि ये वाली जो बुक थी इनकी, इसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा इसमें सोडेलो जो एक आदमी है, शहर है या किताब है, तो समझ नहीं आ रहा है इन्होंने क्या लिखा है। कहने का भाव ये है कि जब सोडेलो इन्होंने लिखी तो बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत केयरलेसली लिखी गई है ये, कुछ भी समझ में आने वाली बात इसमें नहीं है, वेदर दिस इज़ अ मैन सिटी और अ बुक। His and Elizabeth's marriage remained a secret because of her domineering father disapproved of marriage for any of his children. तो इन्होंने अपनी शादी को छुपा के रखा क्योंकि एलिजाबेथ के फादर जो है वो पसंद नहीं करते थे ये सब।
Mr. Barrett later disinherited Elizabeth as he did for each of his children who married, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी बच्चा जो है शादी करे, तो जो भी शादी करता था उसको वो अपनी विरासत से निकाल देते थे. Solo Indu 1889 published on the day of his death. Browning was buried in Poets Corner, Westminster Abbey. His grave now lies immediately adjacent to the Alfred Tennyson. आज के दिन जो इनकी कब्र है वो बिल्कुल ही अल्फ्रेड टेनिसन की कब्र के पास है. एडजेसेंट का मतलब होता है पास में. ब्राउनिंग एंड बैरेट मूव टू इटली वेयर दे लिव्ड हैप्पीली अंटिल हर डेथ. ब्राउनिंग और बैरेट जो है वो इटली चले गए थे और वहाँ पर वो अपनी डेथ होने तक जो है बहुत ही आराम से रहे. देयर स्टोरी वॉज मेड इन टू द प्ले बाई रुडोल्फ बेस्कियर टाइटल द बैरेट्स ऑफ विम्पोल स्ट्रीट. तो रुडोल्फ बेस्कियर ने इनकी स्टोरी को जो एक प्ले का रूप दिया है जिसका नाम है द बैरेट्स ऑफ विम्पोल स्ट्रीट. ही इज बिलीव टू बी वन ऑफ द फर्स्ट फेमस पीपल टू देयर रिकॉर्डेड वॉइस प्लेड आफ्टर देयर डेथ. शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर इंस्पायर्ड चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम. तो किंग लियर की इंस्पिरेशन से ही इन्होंने चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम लिखी थी, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है किंग लियर. और जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, चूँकि ये कविता भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो उसमें ड्रामेटिक आयरनी ज़रूर होती है, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी पोएम में. ब्राउनिंग लिव्ड इन फ्लोरेंस इटली आफ्टर हिज मैरिज. जॉन कैनियन लेफ्ट पाउंड 11,000 टू रॉबर्ट ब्राउनिंग्स फैमिली ऑन हिज डेथ. ही रोट 7 प्लेज इन हिज लाइफ टाइम एंड ही रोट 143 पोएम्स. ब्राउनिंग वेंट टू द लंडन यूनिवर्सिटी इन 1828. एलिजाबेथ बैरेट पोएम्स जो हैं वो उनको बहुत इम्प्रेस करती थी, और जो है इन्होंने फिर उस 1845 में ये बहुत इम्प्रेस थे एलिजाबेथ बैरेट की पोएम्स से, और एक साल के बाद उन्होंने फिर उनसे शादी कर ली थी. एलिजाबेथ डेडिकेटेड सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज टू रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग डेडिकेटेड हिज वर्क मैन एंड वीमेन टू एलिजाबेथ बैरेट. तो एलिजाबेथ ने जो है अपने सोनेट्स फ्रॉम पोर्तुगीज जो है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग को समर्पित किए थे, और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है मैन एंड वीमेन जो उनका काम था वो उन्होंने एलिजाबेथ बैरेट को समर्पित किया था. ही रिटर्न टू लंदन विद हिज सन पेन आफ्टर एलिजाबेथ डाइड. एट द एज ऑफ 14 ही वॉज पुल्ड आउट ऑफ स्कूल एंड बिकेम होम स्कूल्ड. 14 ईयर्स की एज में इनको स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद से इन्होंने घर पर ही पढ़ाई की थी. तो जो माई लास्ट टचेस को हम कर रहे हैं, इट इज़ रिटन बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग. लुक्रीजिया डी मेडिसी जो ये हैं डचेस थी, लास्ट डचेस उनका पोर्ट्रेट है. इनकी मैरिज 1558 में हो गई थी ये, जबकि ये 14 ईयर्स की थी, और डाइड हुई थी ये 21 अप्रैल 1561 को, जबकि ये 17 ईयर्स की थी, और इनकी डेथ जो है वो पॉइजन देने से हुई थी. तो डचेस वॉज 14 ईयर्स ओल्ड वैन शी वॉज मैरिड टू ड्यूक. तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा पोएम के बारे में. माई लास्ट डचेस मतलब कि मेरी अंतिम महारानी. द पोएम माई लास्ट डचेस फर्स्ट अपियर्ड इन ब्राउनिंग्स कलेक्शन ड्रामेटिक लिरिक्स पब्लिश्ड इन 1842. तो सबसे पहले ये पोएम जो है ब्राउनिंग की पोएम ड्रामेटिक लिरिक्स में जो है पब्लिश हुई थी 1842 में. माई लास्ट डचेस इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, अ फॉर्म ऑफ पोइट्री नैरेटेड बाय अ सिंगल स्पीकर. ही टॉक्स टू अ लिसनर हु इज साइलेंट. तो माई लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, एक इस तरीके की पोइट्री जो कि एक सिंगल स्पीकर ही बोलता है पूरी पोयम में, और जो लिसनर है वो बिल्कुल ही चुप रहेगा पूरी की पूरी पोयम में, वो साइलेंट रहेगा. तो ये माइला ड्यूक की जो है डचेस होती है, ड्यूक होता है साम्राज्ञी जो साम्राज्य करता है, और उसकी पत्नी होती है डचेस. माई लास्ट डचेस कंसिस्ट ऑफ 28 हीरोइक कपलेट्स. कपलेट मतलब कि दो लाइनों का समूह जो लाइन होती है, तो 28 × 2 करके जो है ये पोयम हो जाती है. बट द लाइन्स आर नॉट एंड स्टॉप्स बट एंजैपमेंट्स. एंजैपमेंट्स है इसमें मतलब कि लाइन्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं. दैट इज़ द सेंटेंस इज रन बियॉन्ड द एंड ऑफ द वर्स लाइन और कपलेट. मतलब कि लाइन जारी ही रहती है वर्स लाइन और कपलेट के बाद भी. फॉर एग्जाम्पल द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिशंस एग्जाम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डाउरी विल बी डिस अलाउड. एक लाइन में ही जो है मतलब पूरा नहीं हो रहा है, वो लास्ट वाली या जो तीसरी लाइन है वहाँ तक इसका मतलब जो है चल रहा है. दैट्स वाई इट इज़ एंजैपमेंट. द टाइटल माई लास्ट टचेस फरारा. फ्रॉम द टाइटल वी लर्न टू थिंग्स. द स्पीकर इज़ द ड्यूक हिमसेल्फ. ड्यूक ही बोल रहा है इसमें, नैरेटर जो है वो ड्यूक है. ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज डचेस. वो अपनी महारानी के बारे में बता रहा है.
बट द टर्म लास्ट रेजेस सस्पिशन, जब इसमें लास्ट आता है तो इससे एक शक पैदा होता है. व्हाई डज द ड्यूक कॉल हर हिज लास्ट डचेस, लास्ट डचेस क्यों कह रहा है? डज ही चेंज डचेस फ्रीक्वेंटली, क्या वो बार बार में डचेस चेंज करता रहता है, मतलब बहुत सारी शादियाँ करता रहता है वो. इनफैक्ट द टाइटल इज़ आयरॉनिक बिकॉज द डेड मिस्ट्रेस इज़ नॉट हिज लास्ट लेडी. ये आयरॉनिक है यहाँ पर क्योंकि जो डेड मिस्ट्रेस है वो उसकी लास्ट लेडी नहीं है, एज ही इज़ गोइंग टू मैरी अगेन, वो फिर से शादी करना चाहता है. आयरनी क्या होता है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स आर यूज इन सच अ वे दैट देयर इंटेंडेड मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. तो आयरनी क्या होती है कि जो शब्द दिखते हैं हमें, जिसको हम पढ़ते हैं, उसका एक्चुअल में वो ही मीनिंग ना हो के उसका कुछ और मीनिंग जो है निकलता है, तो उसको हम आयरनी कहते हैं. इट्स अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. तो इसमें जो है आयरनी है फुल पोएम में, और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. तो थोड़ा सा सम अप करके अगर बताया जाए, जेलसी, हेटर्ड एंड पावर आर द मेजर थीम्स ऑफ दिस पोएम. जलन, नफरत और पावर, सत्ता की जो मद है, वो इसके मेन थीम्स हैं इस पोएम के. ब्राउनिंग हैज़ प्रेजेंटेड द कैरेक्टर ऑफ अ ड्यूक हु सीम्स टू बी अ साइकोपैथ, जेलस एंड सेल्फ सेंटर्ड मैन हु वांट्स टू रूल हिज वोमैन विद एन आयरन फिस्ट. तो यहाँ पर ब्राउनिंग ने जो है ड्यूक को, कैरेक्टर ऑफ ड्यूक को ऐसा दिखाया है जो कि बहुत ही साइकोपैथ है, साइकिक कैरेक्टर है, जेलस है, सेल्फ सेंटर्ड मैन है, जो कि सिर्फ अपनी औरत को जो है आयरन फिस्ट से जो है रूल करना चाहता है, मतलब कि अपनी वाइफ की कदर वो नहीं करता है. तो चलिए करते हैं टेक्स्ट. दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव. आई कॉल दैट पीस अ वॉन्डर नाउ फ्रा पेंडोल्स हैंड्स. तो कहते हैं कि पड़ोस के एक नवाब का दूत आया हुआ है, उसको बताता है वो अपनी मृत पत्नी का जो है पेंटिंग दिखाता है जो वॉल पे टंगी हुई है, जो कि वॉल पे पेंट की गई हुई है. ये तस्वीर एक दीवार पर पेंट की गई है और यहाँ पर यह तस्वीर इतनी अच्छी है कि ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल ही अलाइव है, जीवंत ही है. तो कहता है आई कॉल दैट पीस ऑफ वॉन्डर नाउ फ्रा पेंडोल्स हैंड्स, और कहता है कि मैं इस चित्र को जो है बिल्कुल एक आश्चर्य मानता हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार फ्रा पेंडोल्फ ने बनाया था. ये फ्रा पेंडोल्फ जो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है. वर्क बिजली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स, वो पूरा दिन जो है लगा रहा था और देखो ये जो पेंटिंग है वो बन गई है, ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर खड़ी ही है असलियत में ही. विल इट प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर, तो क्या तुम यहाँ बैठ के इसको देखोगे? आई सैड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटिनेंस. The depth and passion of its earnest glance, but to myself they turn since none puts by the curtain I have drawn for you, but I, and seemed as they would ask me if they durst. तो फिर वो कहता है कि बैठ कर तुम मेरे पत्नी के चित्र को देखो. और यहाँ पर फिर कहता है कि उसने जानबूझकर उसे बताया था कि उसकी पत्नी का चित्र फ्रा पेंडोल्फ ने बनाया है, क्योंकि वो बहुत कुशल चित्रकार था और ये जो है एक तरह से इमेजिनरी कैरेक्टर ही है, कोई असलियत में फ्रा पेंडोल्फ पेंटर नहीं था. जब वह उसको दिखाता है दूत को दोबारा से वही पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि इसके चेहरे को देखो आप, कितना अलाइव लग रहा है ये. और कहते हैं कि देखो इसकी सुंदर आँखों की भावना, और देखो तुम कितनी गहराई है इनमें, और साथ में तुम ये देखो कि ये जानू, ये देखो कि इसकी झलक जो है इस चेहरे पर किस प्रकार से उसने दिखाई है, और ये बहुत ही सुंदर कविता है. तो थोड़ा सा मीनिंग्स देख लेते हैं. डचेस है ड्यूक की पत्नी, अलाइव मतलब जीवित, बिजली मतलब बहुत ही बिजी होना, बाय डिज़ाइन मतलब जानबूझकर, काउंटिनेंस का मतलब चेहरा, अर्नेस्ट होता है गंभीर, और ग्लैंस दृष्टि, और डस्ट होता है हिम्मत करना. ड्यूक कहता है हाउ सच अ ग्लांस केम देयर सो नोट फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क द सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट. तो कहता है कि ये तुम देखो कितनी सजीवता है इसके चेहरे पर, और तुम ही एकमात्र ऐसे इंसान नहीं हो जिसने उसकी हैरानी के साथ जो है उसकी प्रशंसा की हो. सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड द स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेस चीक्स, पर हैप्स फ्रा पेंडोल्फ्स चांस टू से हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्क टू मच, और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up the that spot of joy. She had a heart, how shall I say, too soon made glad. तो अब मीनिंग्स देख लेते हैं हम. प्रेजेंस होता है उपस्थिति, mantle, mental means पोशाक, जो कपड़े पहने हुए हैं, reproduce मतलब बनाना, throat मतलब कि गला,
और यहाँ पर जो दिखाया गया है एक वर्ड ग्लैड का मतलब खुश और इम्प्रेस्ड होता है, प्रभावित करना। तो यहाँ पर जो है ड्यूक बोलता है कि आप देखिए ड्यूक और काउंट का जो एजेंट था स्वर्गीय डचेस के चित्र के सामने खड़े हैं, मतलब कि काउंट कौन है, काउंट का एजेंट कौन है, मैसेंजर। काउंट है एक नवाब जो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मैसेंजर को भेजता है ड्यूक के पास, क्योंकि उसको पता है कि इनकी महारानी जो है वो मर चुकी हैं, तो वो अपनी बेटी का रिश्ता जो है ड्यूक के पास भेजता है और ये मैसेंजर को वो पेंटिंग जो है ड्यूक दिखा रहा है। तो ड्यूक को भी उम्मीद है कि वो जो है उस मैसेंजर के सामने जो है अपनी लास्ट डचेस की बहुत सारी तारीफ़ें कर रहा है और आगे क्या निकलेगा आप हैरान रह जाएंगे वो जानकर। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार फ्रा पेंडोल्फ ने बनाया था। आप देखिए डचेस के गालों पर एक लालिमा है। ड्यूक बताता है कि ये लालिमा इसलिए नहीं थी कि उसका पति निकट था, कि मतलब मैं उसके पास खड़ा था इसलिए वो ब्लश नहीं कर रही थी, बल्कि शायद जो पेंटर था फ्रा पेंडोल्फ उसने कुछ बहुत ही प्रशंसा करने वाली बात कह दी होगी और उसने कहा होगा कि ज़रा अपनी कलाई जो है उनको और खोल लो या अपने चेहरे की लालिमा, तो कोई भी चित्रकार जो है इतनी अच्छे से जो है दिखा नहीं सकता। तो मतलब कि अपने सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वह बहुत शर्मा गई होगी और खुशी तथा लज्जा का जो वो चर्म था वो उसके चेहरे पर आ गया होगा। तो यहाँ पर वो बताना चाहता है कि जो उसकी वाइफ थी उसका व्यवहार कैसा था। इन लाइंस में ड्यूक ये दिखाना चाहता है कि मेरी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के सामने ही ब्लश नहीं करती थी, वो किसी और इंसान के प्रशंसा करने पर भी बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लग जाती थी, उसका जो फेस था वो और भी ज़्यादा जो है पिंक हो जाता था। तो यहाँ पर इस पेंटिंग में उसके गालों पर जो बहुत ही ब्लशिंग दिखाई गई है और इतनी अच्छे से कोई भी नहीं दिखा सकता, तो वो यहाँ पर उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है कि पेंटर की तारीफ़ करने से ही उसके जो चीक्स थे वो इतने ज़्यादा ब्लश हो गए थे, जो कि क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके हस्बैंड की वजह से नहीं थे। टू ईजीली इम्प्रेस्ड शी लाइक्ड वट एवर शी लुकड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरी वेयर। तो इन लाइन से कहते हैं कि वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती थी जो भी कोई उसको जो है शी लाइक्ड वट एवर शी लुकड ऑन, किसी को भी वो देखती थी और कोई भी उसको कुछ बोलता था तो वो बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरी वेयर, और जो उसकी लुक्स थी वो जो है हर तरफ जो है चली जाती थी, मतलब कि वो सभी को देखती थी उसको, बल्कि क्या करना चाहिए था एक डचेस होने के नाते कि उसको सिर्फ ड्यूक को देखना चाहिए था और लोगों की तरफ उसे ध्यान नहीं देना चाहिए था। तो ये देखिए यहाँ पर जेलसी दिखाई गई है, ड्यूक के नेचर से यहाँ जेलसी झलक रही है। सर इट वॉज ऑल अ वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट द बाउ ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्कार्ड फॉर हर द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच। तो अब वो कहता है कि देखो उसकी पत्नी एक मूर्ख औरत थी जिसको संसार की सभी वस्तुएं पसंद थी। वो कहता है कि जैसे ये नेकलेस है जो इसने पहना हुआ है, इसकी ब्रेस्ट पर पड़ा हुआ है, ये देखो ये मैंने उसको दिया था, कितना कीमती है, लेकिन वो किसी और साधारण व्यक्ति के द्वारा लाई गई अगर कोई चेरी की टहनी भी होती थी ना तो उसको भी वो बहुत खुश होकर जो है ग्रहण करती थी। तो ड्यूक कहता है कि उसको जो है मेरे नेकलेस की कदर नहीं थी, वो छोटी छोटी चीज़ों पर छोटे छोटे उपहारों पर भी इतना ही खुश हो जाती थी जैसे कि कोई और चार में से मतलब कि बाग में से कोई एक टहनी ले आता था चेरी की तो वो उससे भी खुश हो जाती थी। और या फिर जो है ड्यूक के अनुसार वो कहता कि उसकी बहुत मूर्खतापूर्ण आदतें थीं, सूर्यास्त के दृश्य को की सुंदरता की वह प्रशंसा करती थी जो कि एक महारानी को शोभा नहीं देती है, खच्चर पर सवारी करना उसे पसंद था, वह किसी भी अरे गहरे की प्रशंसा करती थी जो कोई छोटा सा काम कर देता था। तो कहता है कि टेरेस पर उसको म्यूल पे खच्चर पर घूमना और छोटे मोटे अगर कोई बाग से कोई जैसे चेरी जो है का फ्रूट उसके लिए ले आता था उसकी टहनी तोड़ लाता था, वेस्ट में जो है सनसेट को देख के वो खुश हो जाती थी, और ये देखो मेरा जो फेवर है जो इसने ब्रेस्ट पर पहना हुआ है ये इतना सुंदर नेकलेस, इससे ज़्यादा खुश ना होकर और छोटी छोटी चीज़ों से वो खुश होती थी। तो ये उसकी बहुत ही मूर्खतापूर्ण हरकतें थी, ड्यूक ये जो है मैसेंजर को बताता है। और ब्लश एटलीस्ट शी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक्ड समहाउ आई नो नॉट हाउ एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ अ 900 ईयर्स ओल्ड नेम विद एनीबडीज गिफ्ट हु वुड स्टूड टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग इवन हैड यू स्किल इन स्पीच which I have not to make your will quite clear to such an one and say just this or that in you disgusts me here you miss
or did exceed the mark, and if she let herself be lessened so, nor plainly set her wits to yours, forsooth, and made excuse. तो यहाँ पर ड्यूक की और भी ज़्यादा जेलसी दिखाई देती है कि वो और भी ब्लश करती थी जब कोई इंसान उसको उपहार देता था. वो थैंक करती थी उन लोगों को, अच्छी बात है, लेकिन थैंक करती थी और कैसे करती थी, आई नो नॉट हाउ. मुझे समझ नहीं आता कि उसको थैंक्स करने की ज़रूरत ही क्या थी, एज इफ शी रैंक्ड, क्योंकि उसका रैंक इतना बड़ा था कि वो तो महारानी थी, तो उन लोगों की तो ड्यूटी बनती है उसका काम करने की, तो वो उनको थैंक क्यों करती थी, ब्लश होकर, शर्मा कर क्यों थैंक करती थी वो. यहाँ पर जो है पॉजेसिवनेस दिखाई गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है ड्यूक उस पर अपना ही अधिकार जमाता है कि उसको दूसरे लोगों को देखकर ब्लश नहीं करना चाहिए था, स्माइल भी नहीं देनी चाहिए थी. तो यहाँ पर बहुत ही जेलस नेचर ड्यूक का दिखाया गया है. माई गिफ्ट ऑफ अ 900 ईयर्स ओल्ड नेम विद एनीबडीज गिफ्ट. तो कहते हैं कि 900 साल से हमारा जो है ये राज्य का नाम है, हमारे पूर्वजों का नाम है, राजा महाराजाओं का नाम है, उसको वो किसी भी छोटे मोटे गिफ्ट के साथ कंपेयर करती थी. हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग. ट्रिफलिंग होता है छोटी छोटी बातें, तो स्टूप होता है झुकना. तो कहते जो लोग झुकते थे तो वो ब्लेम करते थे इस छोटी छोटी बातों के लिए भी वो उनके सामने झुक जाती थी. इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट टू मेक योर विल. तो यहाँ देखो कितनी चालाकी दिखाई है ड्यूक ने. तो कहते देखो आपके अंदर ही स्किल है, कौशल है बातें करने का, मुझ में तो नहीं है. सारी बातें बता भी दी हैं इनडायरेक्ट वे में, कि कैरेक्टर पर उंगली उठा दी है, जो कि ऐसा नहीं था कि डचेस ऐसी थी, लेकिन इसने बातों को घुमाकर डचेस के कैरेक्टर पर उंगली उठा दी है, उसको जो है गिल्टी बना दिया है. और कहते हैं कि मुझे तो इतनी बातें बतानी नहीं आती हैं कि मैं आपको सारी बातें बता पाऊँ, तो और जबकि सब कुछ बता भी दिया है. क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस. और बहुत ही क्लियरली मैं बता देता हूँ जैसे कि ये बात है और बस यही बात थी. और दैट इन यू डिस्कस मी हेयर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, नोर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फॉर सूथ एंड मेड एक्सक्यूज. तो कहता है कि उसने जो है ऐसा काम किया कि जो कि बिल्कुल भी एक्सीड कर दिया था मार्क को, बिल्कुल अपनी हद से बाहर वो निकल गई थी, और उसको तो एक सबक सिखाने की बहुत ही ज़रूरी थी और प्लेनली जो है सेट करने की ज़रूरत थी एक सबक उसके लिए. हर विट्स टू योर्स फॉर सूथ एंड मेड एक्सक्यूज. दो इन लाइन्स में हमें पता चलता है कि ड्यूक को जो है अपने खानदान के नाम का घमंड था, वह क्रूर भी है, उसे अपनी पत्नी का सादा व्यवहार पसंद नहीं है, वह चाहता था तो उसे सुधार सकता था, लेकिन डचेस बहुत ही विनम्र औरत थी और वह आसानी से ड्यूक की सलाह को मान लेती थी. वह अपने को सुधार भी लेती, लेकिन ड्यूक इतना घमंडी है कि वह उसे सलाह देना भी अपनी शान के खिलाफ समझता है, और वो सोचता है कि ऐसा करना खुद को गिराना है. तो इस प्रकार ये पंक्तियाँ ड्यूक के घमंडी चरित्र को और उसकी पत्नी के बहुत ही सिंपल व्यवहार को दर्शाती हैं कि देखो ड्यूक जो है कितना जेलस था, कितना घमंडी था, और वो सिंपल जो नेचर था अपनी वाइफ का उसी का, उसको पसंद ही नहीं कर पाया. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें समझ में आई हैं. तो आगे देखते हैं ज़रा. Even then would be some stooping, and I choose never to stoop. Oh, sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile? This grew. I gave commands, then all smiles stopped together. There she stands as if alive. Will it please you rise? We will meet. तो फिर कहते हैं फिर उसके बाद even जो है बहुत ही ज़्यादा वो जो है झुक जाती थी, मतलब साधारण लोगों के सामने भी वो बहुत ही सिंपली बिहेव करती थी. एंड आई चूज़ नेवर टू स्टूप, और मुझे जो है मैंने कभी झुकना सीखा ही नहीं. ओ सर शी स्माइल्ड नो डाउट, अरे हाँ श्रीमान वो स्माइल करती थी, संदेह नहीं है इसमें. जब मैं उसके पास से जाता था तो मुझे भी देख के स्माइल करती थी, ब्लश करती थी. बट वो पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन कोई और भी ऐरा गहरा उसके आस पास से जाता था तो भी वो स्माइल करती थी. दिस ग्रू आई गेव कमांड्स मच द सेम स्माइल, कि जो सेम स्माइल वो अपने पति को दे रही है वही सेम स्माइल वो दूसरे लोगों को कैसे दे सकती है. तो इसलिए मैंने कमांड दी, आदेश दिया. देन ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, तो जितनी भी स्माइल थी वो हमेशा के लिए एक जो है वो ख़त्म हो गई, रुक गई. देयर शी स्टैंड्स एज इफ अ लाइफ, और इसीलिए देखो वो यहाँ पर जो है खड़ी है जैसे कि जिंदा हो. ये पोर्ट्रेट आप देखो. विल इट प्लीज़ यू राइज, तो कहता है कि आप खड़े होंगे, वी विल मीट. तो यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है कि किस तरीके से उसने जो है अपनी पत्नी को मरवा दिया, और वो भी जेलसी के कारण,
कि वे दूसरे लोगों को देखकर भी वो इतना खुश क्यों होती थी या ब्लश क्यों करती थी। तो ये जो जालसी दर्शाई गई है यहाँ पर ड्यूक की, तो अब वो जो है ये सारी बातें मैसेंजर को बता रहा है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी कि डचेस को मैंने मरवा दिया, कि उसका क्योंकि उसका बिहेवियर ही ऐसा था। वो सारा का सारा ब्लेम जो है डचेस के करेक्टर पर डाल देता है। तो चलिए आगे देखते हैं। द कंपनी बिलो देन आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिशंस आई एग्जाम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवाउड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट ने वी विल गो टूगेदर डाउन सर नोटिस नैपचून दो टेमिंग अ सी होर्स थॉट अ रियरिटी विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी। तो यहाँ पर देखो म्यूनिफिशंस होता है दया और वारंट का मतलब होता है गारंटी, प्रिटेंस होती है मांग और अवार्ड मतलब घोषणा करी। तो यहाँ पर ड्यूक जो है अपना इरादा बड़ी चतुराई से स्पष्ट कर देता है। वह कहता है कि काउंट अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध है। काउंट कौन है? नवाब, दूसरी जगह का नवाब जिसका मैसेंजर ही आया हुआ है। तो उस मैसेंजर को कहता है कि वो काउंट तो अपनी उदारता के लिए दया के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और नेचुरल है कि वह ड्यूक की दहेज की मांग को ठुकराएंगे नहीं। लेकिन ड्यूक उस दूत को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो ड्यूक की बेटी से विवाह जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए और उसके गुणों के लिए कर रहा है, दहेज के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन फिर वो ये भी दिखा देता है कि दहेज पाना उसका लक्ष्य नहीं है, लेकिन दहेज भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि वो उसको वहाँ पर दिखाता है कि देखो ये नेपच्यून वाली मूर्ति देखो जो कि सी हॉर्स को जो है पालतू बनाने की कोशिश कर रहा है इस मूर्ति में, थोटा रेयरिटी। तो कहता है कि देखो मेरे पास तो इतनी सारी टाइप की चीज़ें हैं कि देखो ब्रोंज की बनी हुई है ये, विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी, क्लॉज ऑफ इंसबर्ग ने जो है ब्रोंज के धातु में बना के मुझे ये जो है मूर्ति बना के दी थी। तो इससे भी ज़्यादा जो है काउंट जो है अपनी बेटी को दहेज दे, तो वो एक इनडायरेक्ट मैसेज दे देता है और ये दिखाते हुए चतुराई से कि मुझे तो दहेज से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो काउंट की बेटी से उसकी सुंदरता और उसके गुणों की वजह से शादी कर रहा हूँ। लेकिन काउंट इतना उदार है कि वो अपनी बेटी को दहेज तो देगा ही, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दिखाया गया कि ड्यूक कितना जो है चतुर है, जालस है, प्राउड है और जो है बहुत ही क्रूर भी है, क्योंकि उसने अपनी डचेस को जो है बिना ही बात शक के घेरे में आकर जो है मार दिया था कि वो दूसरे लोगों से भी इतना साधारण तरीके से कैसे बात करती है। तो चलिए अब करते हैं अबाउट द पोएम, थोड़ा सा पोएम के बारे में और जान लेते हैं। द ओवर आर्चिंग आयरनी इन ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस इज दैट इट रियली इज नॉट अबाउट द डचेस बट इंस्टेड अबाउट द कंट्रोलिंग जेलस एंड एरोगेंट नेचर ऑफ द ड्यूक। In this monologue, describing a painting of his former wife, the Duke introduces us to his dark and sinister qualities. तो बहुत ही बड़ी सबसे बड़ी आयरनी इसमें क्या है जो ब्राउनिंग ने दिखाई है माई लास्ट डचेस में, कि यहाँ पर डचेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेसिकली किससे लेना देना है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ड्यूक जो है कितना कंट्रोलिंग नेचर का है अपनी वाइफ को, जेलस है, एरोगेंट है, अक्खड़ है वो नेचर में। और इस मोनोलॉग में ये दिखाया गया है कि उसकी वाइफ की जो फॉर्मर वाइफ की पेंटिंग है, तो यहाँ पर डार्क और जो है उसकी सिनिस्टर क्वालिटीज़ पर प्रकाश डाला गया है। माई लास्ट डचेस इज़ ऑल अबाउट पावर, द पॉलिटिकल एंड सोशल पावर विल्डेड बाय द स्पीकर द ड्यूक एंड हिज अटेम्प्ट टू कंट्रोल द डोमेस्टिक स्फीयर हिज मैरिज इन द सेम वे दैट ही रूल्स हिज लैंड्स। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया कि सत्ता दिखाई गई है जो जिसमें कि पॉलिटिकल और सोशल सामाजिक और जो है राजनीतिक पावर दिखाई गई है स्पीकर के द्वारा, स्पीकर है इसमें ड्यूक। और यहाँ पर दिखाया कि वो अपनी घरेलू जीवन को भी इसी तरीके से जो है कोशिश करता है उस पर अपना राज्य आधिपत्य जमाने की जैसे कि वो अपने राज्य पे जमाता है। ही रूल्स विद एन आयरन फिस्ट, द ड्यूक व्यूज एवरीथिंग दैट ही पोजेसेस एंड एवरीवन विद होम ही इंटरेक्ट्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड हिज पावर बेस। तो यहाँ पर दिखाया कि वो सबको एक ही छड़ी से हाँकता है और बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है करता है। आयरन होता है लोहा, फिस्ट होता है मुट्ठी, तो बड़ी ताकत के साथ ही वो हर किसी को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर हर चीज़ को वो इस तरीके से देखता है कि ये मेरी ही है, और जिससे भी वो बात करता है तो वो वहाँ पर अपना जो है सिर्फ और सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन करता है और अपना शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करता है। वाइव्स नीड टू बी डोमिनेटेड, सर्वेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस अथॉरिटी एंड फैंसी ऑब्जेक्ट्स इन हिज आर्ट गैलरी डिस्प्ले हिज इन्फ्लुएंस टू द वर्ल्ड इफ ही डिसाइड्स टू शो दैम। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो पत्नियाँ होती हैं उनको डोमिनेट करना चाहिए, सर्वेंट्स को भी जो है मालिक की अथॉरिटी का पता होना चाहिए। और वो दिखाता है अपनी आर्ट गैलरी को, दिखा रहा होता है मैसेंजर को, तब वो ये सारी बातें बोलता है।
काइंडनेस जॉय एंड इमोशन आर ऑल थ्रेट्स टू हिज टायरेनिकल पावर। तो वो कहते हैं कि जो मेरी ये पावर है उसमें काइंडनेस जॉय और इमोशन का कोई भी स्थान नहीं है, ये सब जो है खतरा है मेरी पावर के लिए, तो ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा। द ड्यूक इज क्वाइट अ परफॉर्मर, ही मिमिक्स। द पोएम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिलेशनशिप्स एंड देयर कंट्रास्टिंग पावर्स ऑफ लैक देयर ऑफ। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है मेल और फीमेल रिलेशनशिप की और उनकी कंट्रास्ट की। वीमेन इन द पास्ट एंड इवन इन सम कल्चर्स टूडे आर कंसिडर्ड पीसीज ऑफ प्रॉपर्टी। तो पास्ट में जो है औरतों को कई जगह तो आज भी जो है पीस ऑफ प्रॉपर्टी ही मानकर चला जाता है। विद इन मैनी रिलीजन्स एंड कल्चर्स द मेल बिस्टाउज अ पोजिशन ऑफ डोमिनेंस एंड कंट्रोल ओवर वीमेन विच कंस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ फ्री विल। तो कई कल्चर्स और रिलीजन्स में तो मेल जो है बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पोजिशन जो है दिखाते हैं औरतों के ऊपर, और वो उनकी राइट ऑफ फ्री विल जो है, उनकी इच्छा जो होती है उसका कोई भी उनको अधिकार नहीं देते हैं औरतों को। ड्यूरिंग द मिड 1800s अ डॉटर वॉज मैरिड ऑफ टू गेन मोर पावर लैंड अलाइज एंड इवन टू गेन एक्ट्रेस एक्सेस टू प्रेस्टिजियस ब्लडीलीनेस। द ड्यूक इन दिस पोएम इज द एग्जाम्पल। तो चलिए करते हैं लिटरेरी डिवाइसेज यूज इन द पोएम। Assonance. Assonance is the repetition of vowel sounds in the same line, such as the sound of O in her words to your forsooth and made excuses, and the sound of I and O in of mine for dowry will be disallowed. Assonance क्या होता है? Vowel sounds का repetition, जैसे कि O का जो है इस line में है और I और O का भी जो next line में है, तो ये सब assonance के examples हैं. So the poetic device assonance is used in the poem. Second is the symbolism. Symbolism is using symbols to signify ideas and qualities, giving them symbolic meanings different from literal meanings. Symbol जो होता है एक तरीके से वो क्या होता है, वो signify करता है कि क्या idea है, क्या qualities हैं, तो वो एक symbolic meaning दे देता है literal meaning से थोड़ा अलग। जैसे कि the painting of the Duke's last Duchess symbolizes how he objectifies women as property or possessions. White mule symbolizes her innocence and purity. Taming a seahorse is a symbol of Duke taming his wife. तो जो पेंटिंग है ड्यूक दिखाता है अपनी लास्ट टचेस की, वो दिखाता है कि वो कैसे उसको अपनी प्रॉपर्टी मानता है, तो ये सिंबल करता है यहाँ पर। वाइट म्यूल जो है वो सिंबलाइज करता है कि इनोसेंस और प्योरिटी ऑफ डचेस, कि कितनी वो मासूम और प्योर थी। और टेमिंग अ सीहॉर्स, टेम करना होता है पालतू बनाना, सीहॉर्स मतलब समुद्री घोड़े को, तो ये सिंबल है कि वो अपनी वाइफ को कैसे पालतू बना के रखता था जानवर की तरह से। सो सिंबोलिज्म इज यूज्ड इन दिस पोयम। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट द पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन कपलेट और स्टेंजा। तो एंजैबमेंट क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में जो है कॉन्टिन्यूटी रहेगी, वहाँ पर कोई पॉज नहीं आएगा, रोका नहीं जाएगा बीच में, और एक लाइन के एंड होने से पहले, कपलेट के एंड होने से पहले या स्टेंजा के एंड होने से पहले। जैसे कि द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिशंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड। तो ये एंजॉयमेंट का एग्जांपल है कि एक सेंटेंस लगातार चलता जा रहा है बिना कुछ रुके, और जब तक उसका पूरा मीनिंग नहीं हो जाता, और वो कपलेट के रूप में भी हो सकता है, एक लाइन के रूप में भी, और एक स्टेंजा के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स की जब रेपिटेशन होती है सेम ही लाइन में, जैसे कि साउंड ऑफ टी इन टुगेदर डाउन सर नोटिस नैपच्यून दो। तो टी साउंड जो है बार बार में आ रही है कॉन्सोनेंट, एंड द साउंड ऑफ एन इन द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिशंस, इसमें एन साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड, उसकी रेपिटेशन हो रही है। तो लिटरेरी डिवाइस कॉन्सोनेंस इज यूज्ड हियर। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इज आयरनी। आयरनी क्या होती है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट देयर इंटेंडेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ये बेसिकली जो लिटरल मीनिंग निकलता है एक शब्द का अर्थ होता है, उससे इसका इंटेंडेड मीनिंग, जो मीनिंग जानबूझकर कहा जाता है, वो अलग ही निकलता है। The title is ironic because the dead mistress is not his last lady as he is going to marry again. तो इसमें ही irony है देखो title में ही, क्योंकि वो कहता है कि मेरी last duchess, last duchess का मतलब ये है कि वो
अभी आगे भी मैरिज करेगा, तो वो डेड मिस्ट्रेस उसकी लास्ट लेडी नहीं थी, वो अभी आगे भी शादी करने को तैयार है. तो द टाइटल इटसेल्फ इज़ आयरोनिकल. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इज सिमिली. सिमिली इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू कंपेयर समथिंग विद समथिंग एल्स टू मेक द मीनिंग्स क्लियर. देर इज़ ओनली वन सिमिली यूज्ड इन दिस पोएम. और एज और लाइक का वहाँ पर यूज़ होता है. दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव. तो एज का यूज़ हुआ है यहाँ पर और उसको कंपेयर किया गया है. तो एज जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जिंदा है. तो यूज़ ऑफ सिमिली इज़ हियर. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यूज इज हाइपरबोल. हाइपरबोल इज़ अ डिवाइस यूज टू एग्जैजरेट अ स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ इम्फेसिस. हाइपरबोलिक क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस है ये कि किसी चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के बताया जाता है किसी स्टेटमेंट को ताकि जोर पड़े. तो जैसे कि द पोइट हैज़ यूज हाइपरबोल इन द लाइन 24. 24वीं लाइन में जो है हाइपरबोल का यूज़ किया गया है. शी लुकड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर. क्या ऐसा हो सकता है कि वो देखती थी और उसकी जो देखना था ना वो हर जगह देखा जा, वो हर जगह देखती थी. इज़ इट पॉसिबल कि हम भी जब कहीं बैठे हों तो क्या हम हर जगह देख सकते हैं? तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा चढ़ा कर बताया गया है कि एज़ हर लुक्स वेंट एवरीवेयर. ऐसा लगता था कि जो उसकी नज़र है वो हर जगह जाती थी. तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दी गई स्टेटमेंट है. तो ये हाइपरबोल है. ये दिखाना चाहता है कि जो उसकी मिस जो डचेस थी वो बहुत ही केयरलेस थी और वो बस दूसरों को ही देखती रहती थी हर समय. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन सच एज द साउंड ऑफ डी इन द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट एंड द साउंड ऑफ एस इन देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर देयर शी स्टैंड्स. तो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन को जो एलिट्रेशन कहा जाता है. तो ये एग्जाम्पल हमने बताया. नेक्स्ट इज यूफीमिज्म. तो ये क्या होता है? इट इज़ अ पोलाइट एक्सप्रेशन यूज इन प्लेस ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेज दैट माइट अदरवाइज बी कंसिडर्ड हार्श और अनप्लेजेंट. तो ऐसे शब्दों का यूज़ करना जो कि पोलाइट एक्सप्रेशन दें बजाय कि ऐसे शब्दों का यूज़ करें कि जो हार्श और अनप्लेजेंट लगे. तो उसको कहेंगे यूफीमिज्म. फॉर एग्जाम्पल मच द सेम स्माइल दिस ग्रू आई गिव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर देयर शी स्टैंड्स. काम तो क्रूर किया लेकिन उसको बहुत ही प्लेजेंट वर्ड्स में पोलाइट वर्ड्स में शो कर दिया. ऐसा दिखा दिया कि मैं तो बहुत ही इनोसेंट था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं. तो इट इज़ यूफीमिज्म. तो अब देखते हैं स्टेंजा क्या होता है. स्टेंजा इज़ अ पोएटिक फॉर्म ऑफ सम लाइन्स. देर इज़ वन लॉन्ग स्टेंजा इन द पोएम हैविंग 56 लाइन्स इन इट. तो 56 लाइन्स हैं, एक लॉन्ग स्टेंजा है ये पोएम में. इयाम्बिक पेंटामीटर इज़ यूज्ड. इट इज़ अ टाइप ऑफ मीटर हैविंग 5 इयाम्स पर लाइन. द पोएम फॉलोज द इयाम्बिक पेंटामीटर सच एज लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव आई कॉल. तो यहाँ पर जो है इयाम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है. जैसे कि इस लाइन में क्लियर हो रहा है हमें जो बोल्ड में है, दीज आर द इयाम्बिक पेंटामीटर्स लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव आई कॉल. एंड राइम. एंड राइम इज यूज टू मेक द स्टेंजा मेलोडियस. तो एंड में जो है राइमिंग होनी चाहिए जिससे कि वो बहुत ही मेलोडियस दिखेगा, भाई सुनने में बहुत ही राइमिंग लगेगा. द एग्जाम्पल्स ऑफ एंड राइम इन द पोएम आर. एंड राइम के जो एग्जाम्पल्स हैं इस पोएम में, वॉल कॉल हैंड्स स्टैंड्स एंड मीट रिपीट. तो इससे क्या है, मेलोडियस और रिदमिक लगती है पोएम. नेक्स्ट इज हीरोइक कपलेट. हीरोइक कपलेट क्या होता है? इट इज़ अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइन्स विद इयाम्बिक पेंटामीटर. द पोएम कंसिस्ट ऑफ 28 हीरोइक कपलेट्स. इसमें 28 दोहे हैं, हीरोइक कपलेट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटिनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस. तो पेयर ऑफ राइम्ड लाइन्स भी है और साथ में जो है वो इयाम्बिक पेंटामीटर को भी फॉलो करते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किया था. तो अब देखते हैं कि इन माई लास्ट टचेस वर्बल आयरनी इज डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन द ड्यूक सेज टू हिज गेस्ट्स इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट. लाइन्स 35-36 पेज 172. द ड्यूक इज़ नॉट अ मोडेस्ट मैन बट इन थिंकिंग दिस सीमिंगली हम्बल स्टेटमेंट इन द मिडस्ट ऑफ ऑल हिज पावर स्ट्रिकन रिमार्क्स एस्टेब्लिशेस सिचुएशनल आयरनी. तो इस पोएम में जो वर्बल आयरनी दिखाई गई है, जब ड्यूक अपने गेस्ट को बोलता है, मैसेंजर को बोलता है जो कि पड़ोस के नवाब से का मैसेंजर है,
उसको वो कहता है इवन हैड यू स्किल्ड इन स्पीच विच आई हैव नॉट. तो यहाँ पर ड्यूक जो है इतना मॉडेस्ट मैन नहीं है, वो इतने प्यार से बोलने वाला इंसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही हम्बल स्टेटमेंट देता है वो. और अभी तक तो वो अपनी पावर के बारे में ही सारा बता रहा था कि हमारी इतनी शानो शौकत है, 900 सालों से चली आ रही है. तो ये जो है इन पावर वाले रिमार्क्स के बीच में हम्बल स्टेटमेंट देना जो है वो एक सिचुएशनल आयरनी है. इन द पोयम ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज फर्स्ट वाइफ लुक्रेशिया डी मेडिसी हु डाइड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेज शॉर्टली आफ्टर मैरिंग द ड्यूक. तो इस पोयम में जो है वो किसके बारे में बोल रहा है, अपनी वाइफ, अपनी डचेस के बारे में बोल रहा है, जो उसकी फर्स्ट वाइफ लुक्रेशिया डी मेडिसी थी, जो कि बहुत ही सस्पिशियस परिस्थितियों में मरी थी, जिस पर बहुत ही संदेह था कि वो उनको शादी के बहुत ही जल्दी मर गई थी. 14 साल में तो की उम्र में तो उनकी शादी हुई थी और 17 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है, और जो कि ऐसा माना गया था कि जहर देने से हुई थी. इन द पोएम द ड्यूक इज स्पीकिंग टू एन एमिसरी हु इज़ नेगोशिएटिंग द ड्यूक्स नेक्स्ट मैरिज टू द डॉटर ऑफ अनदर पावरफुल फैमिली. इस पोएम में ड्यूक की सारी बातें एक जो है मैसेंजर के सामने कह रहा है, जो कि ड्यूक की अगली मैरिज की बात करने आया है और एक अदर पावरफुल फैमिली से जो है आया है, और उनका मैसेंजर है वो, और उनकी बेटी का रिश्ता जो है ड्यूक के सामने लेकर आया है. तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा सस्पेंस है, सस्पिशन है, और ड्यूक ही जो है पूरी पोएम में बोलता है, क्योंकि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो वहाँ पर एक ही नैरेटर होता है, बाकी लिसनर जो है फुल टाइम साइलेंट ही रहता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द पोएम माई लास्ट टचेस रिटन बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग.